श्रीपाद रामानुजाचार्य ने उन कश्मीर के ब्राह्मणों से वेदांत सूत्र देने की याचना की, लेकिन वे नहीं माने और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। और ये ऐतिहासिक कथा जुड़ी हुई है देवी सरस्वती के साथ। तो चलिए आज वसंत पंचमी के दिन श्रवण करते हैं कुछ रोचक तथ्यों और अनसुनी कथाओं का, और वो भी सीधे हमारे शास्त्रों से। हरे कृष्णा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। हे देवी सरस्वती, आप विद्या की देवी और परम कल्याणकारी हैं। हे कमल के समान नेत्रों वाली विद्या की देवी, मुझे ज्ञान प्रदान करें, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। माता सरस्वती यानी विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की आराध्य देवी, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें उत्पन्न किया गया। और जानते हैं क्यों? चलिए आज आपको देवी सरस्वती के विषय में एक सुंदर कथा सुनाते हैं। एक समय जब ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने सभी ग्रह, नक्षत्र और विभिन्न वस्तुओं का सर्जन तो कर लिया, लेकिन उन ग्रहों और नक्षत्रों को ये पता नहीं लग रहा था कि आखिर उन्हें कहाँ जाना है, किसके आसपास घूमना है, क्या उन्हें सिर्फ अपनी स्वयं की परिक्रमा करनी है या फिर किसी और की। इन दुविधाओं में फंसे हुए ग्रह बिना किसी मार्गदर्शन के अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहे और इससे ब्रह्मांड में एक संतुलन उत्पन्न हुआ। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि आखिर इसे ठीक कैसे किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो किसी एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करेंगे जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को तालबद्ध कर पाए। ये सोचते ही ब्रह्मा जी अपनी ध्यान अवस्था में चले गए और उसी क्षण उनके मुख कमल से एक दैदीप्यमान देवी प्रकट हुई। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, उनके वस्त्रों की किनार सुनहरे रंग की थी। उन्होंने कोई भी आभूषण धारण नहीं किया था, लेकिन फिर भी वे अत्यंत सुंदर और तेजस्वी दिख रही थी। उनके चार हाथ थे, जिसमें से दो हाथों में उन्होंने वीणा धारण की थी, तीसरे हाथ में जपमाला थी और चौथे हाथ में एक कुंभ। और वो देवी और कोई नहीं अपितु संगीत और ज्ञान की देवी स्वयं माता सरस्वती थी। जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा पर ब्रह्मनाद छेड़ा, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम शांति, मधुर संगीत और संतुलन छा गया। और जिस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई, वो है आज का दिन, यानी वसंत पंचमी का दिन। यही कारण है कि आज के दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बच्चों को शिक्षा देने का प्रारंभ इसी दिन से करना सर्वोत्तम होता है। जो लोग कला, संगीत और ज्ञान के उपासक हैं, वे आज के दिन अपनी आराध्य देवी माता सरस्वती की विशेष उपासना करते हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के इस दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी से देवी सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में इस बात का उल्लेख पाया जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती को ये वरदान दिया था कि इस दिन हर जगह उनकी पूजा आराधना होगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत का कार्यभार विभिन्न देवी देवताओं में विभाजित किया है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि के सर्जन का, महादेव को संहार तथा विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कर्तव्य दिया गया है, उसी प्रकार देवी सरस्वती को विद्या, कला तथा संगीत का प्रभार दिया गया है। एक समय श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु ने उन्हें श्रील व्यास देव द्वारा रचित वेदांत सूत्र पर टीका लिखने के लिए कहा। उस समय वेदांत सूत्र की मूल लिपि कश्मीर के शारदा पीठ में रहने वाले ब्राह्मणों के पास थी, इसलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य ने यह निर्णय लिया कि वे कश्मीर जाकर उस मूल लिपि को प्राप्त करेंगे तथा वेदांत सूत्र पर अपना भाष्य लिखेंगे। परंतु जब उन्होंने कश्मीर जाकर उन पंडितों से आग्रह किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि ये मूल लिपि रामानुजाचार्य को प्राप्त हो। अब ऐसी स्थिति में रामानुजाचार्य क्या करते? उन्होंने देवी सरस्वती की उपासना की और इसके पश्चात स्वयं देवी सरस्वती ने आकर श्रीपाद रामानुजाचार्य को वेदांत सूत्र की मूल प्रतिलिपि प्रदान की। जब श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपना भाष्य पूर्ण कर लिया, तो देवी सरस्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल भाष्यकार की उपाधि दी, अपितु भगवान हयग्रीव का विग्रह भी दिया। वसंत पंचमी को ज्ञान पंचमी तथा श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। वसंत पंचमी के दिन से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, जिसमें प्रकृति खिल उठती है तथा चारों ओर बहार छा जाती है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतरण भी इसी ऋतु में हुआ था, जिसे हम गौर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं।
भगवद गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर। अर्थात साम वेद के गीतों में मुझे बृहत् साम और छंदों में मुझे गायत्री समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। आपने ये तो अवश्य सुना होगा कि कार्तिक मास में आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियों के मध्य महारास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अतिरिक्त एक और महारास है जिसके बारे में श्री जयदेव गोस्वामी अपनी रचना गीत गोविंद में उल्लेख करते हैं? जी हाँ, इसे वासंती रास लीला कहते हैं और ये भगवान श्री कृष्ण और उनके नित्य सिद्ध गोपियों के बीच वसंत पंचमी की रात्रि को होता है। जहाँ शरद पूर्णिमा को होने वाला महारास वृंदावन में स्थित यमुना के तट पर हुआ था, वहीं ये वासंती रास लीला गिरिराज गोवर्धन पर होती है। इस दिव्य लीला को और अधिक मधुर बनाने के लिए मध्यम प्रकाश देने हेतु चंद्रमा पूरी रात्रि आकाश में रहता है, इसलिए इस स्थान को चंद्र सरोवर की संज्ञा से भी जाना जाता है। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर ही बहुत से गौड़ीय वैष्णव आचार्य इस धराधाम पर प्रकट तथा अप्रकट हुए थे, जैसे कि श्री पुंडरीक विद्यानिधि, जो कि श्री कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज हैं। इसी कारण से श्री चैतन्य लीला में श्रीमान महाप्रभु उन्हें एक पिता की तरह सम्मान देते थे और उन्होंने श्री पुंडरीक विद्यानिधि को प्रेम निधि की उपाधि भी प्रदान की थी। बाद में जाकर श्री पुंडरीक विद्यानिधि श्री गदाधर पंडित के आध्यात्मिक गुरु बने और स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र। उनका आविर्भाव दिवस इसी वसंत पंचमी के दिन आता है। इसके उपरांत श्री रघुनंदन ठाकुर, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में अपने हाथों से भगवान श्री गोपीनाथ को भोजन करवाया था, उनका आविर्भाव भी इस धरातल पर आज ही के दिन हुआ था। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि वृंदावन के मुख्य 6 गोस्वामियों में से एक हैं, उनका आविर्भाव दिवस भी आज ही यानी वसंत पंचमी के दिन हुआ था। आज वृंदावन में हम जो राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करते हैं, उनका निर्माण भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा करवाया गया था। ये वही रघुनाथ दास गोस्वामी हैं जो कि एक समय जब तीव्र गर्मी में बाहर खुले में बैठकर अपना जप कर रहे थे, तब उनके ऊपर छांव करने के लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी आई थी, क्योंकि वे इतने विरक्त थे कि उन्होंने अपने लिए कुटिया बनाना भी जरूरी नहीं समझा था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक समय एक गोवर्धन शिला प्रदान की थी, जिसकी पूजा आज भी वृंदावन में गोकुलानंद मंदिर में की जाती है। इसके उपरांत श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का भी आज आविर्भाव दिवस है। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी हैं और वे साक्षात भगवान नारायण की भूशक्ति है। जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तब उन्होंने श्रीमती विष्णु प्रिया देवी को अपना एक विग्रह प्रदान किया था और श्रीमती विष्णु प्रिया देवी आजीवन उनकी सेवा करती रही। वसंत पंचमी के दिन एक और महान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस धरातल से अपनी लीलाएं समेटी थी, इसलिए उनका तिरोभाव दिवस भी हम आज ही के दिन मनाते हैं। उन्होंने राधा कुंड में श्री मुकुंद दास के साथ रहकर वृंदावन के 6 गोस्वामियों के सभी ग्रंथों का गहनता पूर्वक अध्ययन किया था। तत्पश्चात उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की, जिसके संदर्भ आज भी कई विद्वान लेते हैं। श्री प्रभुपाद ने अपनी भगवद गीता यथारूप भी इसी महान आचार्य को समर्पित की थी। वसंत पंचमी के दिन से वसंत ऋतु का आगमन होता है और इसलिए वृंदावन में कई मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के सुगंधित और रंग बिरंगे फूल और पत्तियां अर्पित की जाती हैं। सुंदर नव अंकुरित घासों से उन्हें सजाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कृष्ण बलराम और श्री राधा कृष्ण के विग्रहों को पीले केसरिया वस्त्रों से सुशोभित किया जाता है और उनकी प्रसन्नता के लिए वसंत राग गाया जाता है। इस दिन भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित करने का प्रावधान भी है। कई स्थानों पर इस दिन महिलाएं और बालिकाएं पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। ये नव सर्जन का दिन है, इसलिए इस दिन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए गर्भ संस्कार, खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए यज्ञ, गायों को प्रसन्न करने के लिए विविध रीति रिवाज भी किए जाते हैं। ये ऐसा दिन है जब कोई भी मुहूर्त देखे बिना कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, फिर चाहे वो गृह प्रवेश हो, विवाह संस्कार हो, कीमती वस्तुओं को खरीदना हो या फिर विद्या का आरंभ करना हो। भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पारंपरिक रीति से इस उत्सव को मनाया जाता है, जैसे कि बंगाल में देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है और परिवार के सभी लोग माता सरस्वती की पूजा करते हैं। बिहार में इस दिन को फसल उत्सव और भगवान सूर्य नारायण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। पंजाब में इस दिन पीले रंग के मीठे चावल बनाए जाते हैं और पतंग उड़ाए जाते हैं।
राजस्थान में परिवार की सबसे छोटी कन्या सरस्वती पूजा का स्थान तैयार करती है और परिवार के सभी सदस्यों को टीका लगाती है। पूजा संपन्न होने के बाद सभी के ऊपर पवित्र जल छिड़का जाता है और प्रसाद वितरित किया जाता है। गुजरात में कई स्थानों पर विभिन्न संगीत कार्यक्रम और सरस्वती देवी की पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन विद्यार्थी अपनी पुस्तकें माता सरस्वती के चरणों में रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ज्ञान प्रदान करें। तो चलिए आज के इस अत्यंत पवित्र दिन पर हम भी इस ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे भौतिक जगत के प्रति आसक्ति रूपी अज्ञान के अंधकार को नष्ट करें और हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम और भक्तिमय सेवा का पथ प्रदर्शित करें, जिससे कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यांधकारापहां। हस्ते स्वाटिक मालिकां विदधते पद्मासने संस्थिता, वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदा। हरे कृष्णा।